21.6 लेटेस्ट अपडेट, आइए देखते हैं। हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने कल ही 19 तारीख को पोषण ट्रैकर ऐप का जो लेटेस्ट वर्जन था, लेटेस्ट अपडेट आया हुआ था 21.5, उस हम लोगों ने अपडेट किया। लेकिन आज फिर से पोषण ट्रैकर ऐप का एक और लेटेस्ट अपडेट दे दिया है, लेटेस्ट वर्जन दे दिया है। आइए उसको भी मैं आप लोगों को बता दूं कि कैसे अपडेट करना है। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ से जो है कि अभी फिलहाल में जो हम लोगों का अपडेट चल रहा है वर्जन जो है उसको चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 21.5 है, लेकिन 21.6 का लेटेस्ट अपडेट आ गया है। आइए मैं आप लोगों को बता दूं कि इसे हम लोगों को कैसे अपडेट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमारे पोषण ट्रैकर ऐप को अनइंस्टॉल कर देना है। अनइंस्टॉल करने का तरीका आप लोगों को पता है कि हमें क्या करना है, पोषण ट्रैकर ऐप पर कुछ देर तक क्लिक करना है। और देखिए जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर इस प्रकार से कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, तो इसमें से हम लोगों को यहाँ लिखा हुआ है अनइंस्टॉल, ठीक है। हम लोगों को अनइंस्टॉल को क्लिक करके और हमारे पोषण ट्रैकर ऐप को अनइंस्टॉल कर लेना है। फिर क्या करना है, हमें अपने प्ले स्टोर में जाना है। देखिए प्ले स्टोर में जाएंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे फिर से पोषण ट्रैकर, ठीक है। यहाँ से हम लोग फिर से पोषण ट्रैकर लिखेंगे और पोषण ट्रैकर में जो है कि इसे अब क्या करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे ही पोषण ट्रैकर को हम लोग इंस्टॉल करेंगे, आप लोग देखिए कि ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि इसके लेटेस्ट वर्जन में क्या कुछ नए चेंजेस हुए हैं, क्या कुछ विशेष इसमें और थीम्स जोड़े गए हैं या वही अपडेट है। बस आइए मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें लेटेस्ट अपडेट में क्या है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि नेटवर्क का जो इशू रहता है, नेटवर्क इशू के चलते थोड़ा स्लो काम होता है, तो उसके लिए हमें धैर्य बना के रखना है। और बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कल का जो है कि पोषण ट्रैकर ऐप कितनी सारी बहनों का ओपन हो गया था, जो मैंने आप लोगों को वीडियो बताया था उस वीडियो के माध्यम से क्या आप लोगों को हेल्प मिली थी और आप लोगों ने अपना ऐप ओपन कर पाया था या नहीं कर पाया था। तो इसे हम लोग अपडेट होने देते हैं, तब तक हम लोग जो है कि आगे बढ़ते हैं जैसे ही अपडेट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा पोषण ट्रैकर ऐप इंस्टॉल हो गया है, तब हमें क्या करना है, यहाँ से ओपन करना है। आइए मैं आप लोगों को ओपन करके भी दिखा रही हूँ कि क्या ओपन करने पर हमारा ऐप ओपन हो रहा है। थोड़ा स्लो वर्क कर रहा है क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी भी जो है कि इसमें प्रोसेस है। देखिए इसके बाद से पहले एरो के निशान से हम लोगों को आगे बढ़ते जाना है, फिर यहाँ डन कर देना है। यहाँ से हम अपना लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी, में हिंदी में ही कर देती हूँ। यहाँ देखिए अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, यदि कल आप लोगों ने एम पिन चेंज किया था तो नया एम पिन डालिएगा, यदि एम पिन चेंज नहीं किया है तो पुराना ही एम पिन डालिएगा। और यदि एम पिन भूल भी गए हैं तो भी यहाँ पर जो है कि केवल लॉगिन को क्लिक करके नया एम पिन भी हम लोग सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर लेते हैं। आइए मोबाइल नंबर दर्ज करके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आप लोग हमें क्या करना है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है और एम पिन डाल लेना है। जैसे ही हम लोग मोबाइल नंबर और एम पिन क्लिक करते हैं उसके बाद से लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। आइए देखते हैं कि क्या यह तुरंत लॉगिन हो जा रहा है या कुछ टाइम ले रहा है। देखिए अभी भी जो है कि इसमें लॉगिन नहीं हो रहा है या टाइम ले रहा है, एक बार और जो है कि हम लोग कोशिश करते हैं। ही नहीं कर रहा है, एम पिन गलत है, ऐसे बिल्कुल भी हम लोगों को परेशान नहीं होना है। हमें नेटवर्क का भी जो है कि इशू होने के कारण ऐसा हो जा रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे OTP दर्ज करना है, ठीक है। एम पिन भूल गए के जैसे ही ऑप्शन को हम लोग क्लिक करेंगे, आप लोग चेक करिएगा कि आपके जो मैसेज बॉक्स है उसमें जो है कि OTP ज़रूर आया होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से OTP को दर्ज कर लेना है, ठीक है। यहाँ चलें हम, अब अपना OTP दर्ज करें, उसके बाद से वेरीफाई एंड प्रोसेस। देखिए अब क्या हुआ, यहाँ से हमें क्या करना है, अपना नया एम पिन सेट करना है। जैसे कि हम लोग अपना एम पिन बदल के नया एम पिन डालना चाहते हैं, तो यहाँ से हमें क्या करना है, अब जो नया एम पिन हम लोगों ने डाला है उसको हम लोग अपने मोबाइल नंबर के साथ खोल लेंगे। देखिए बेहद ही आसानी के साथ हमारा पोषण ट्रैकर ऐप हमारे सामने हो गया। अब मैं आप लोगों को वर्जन भी दिखा दूं कि जब हमने अभी अपडेट किया तो कौन सा वर्जन आया है। देखिए आप लोग यहाँ पर संस्करण में चेक करिए, 21.6। उम्मीद है आप लोगों का पोषण ट्रैकर ऐप जरूर ओपन हो गया होगा। ऐसे ही यूजफुल और नॉलेजेबल वीडियो के साथ हाजिर होती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्ते।